जिंदगी बदलेंगे। थैंक्स दोस्त। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं सर। विनोद जी कैसा फील कर रहे हैं? ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे उस सीट पे बैठना बैठे हुए हैं। क्या बात है, उस सीट पर बैठना है जिन पे गिरेवाल सर बैठे हैं। आप समझ सकते हैं इनकी चाहत को? यस सर। इनकी चाहत गिरेवाल सर बैठे हैं। परमानंद जी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्ल बन के विनोद जी का हाथ पकड़ के चल। विनोद जी मेरे अपलाइन है और जो विनोद जी जो सम्मान लेंगे उनके साथ साथ मैं वो भी लेता रहूंगा और गिरेवाल सर के बगल में बैठना है। क्या बात है, इन्हें भी बगल में बैठना है और विनोद जी का पीछा नहीं छोड़ना है। इनके अपलाइन है विनोद जी, लेकिन जो भी रिकॉग्निशन विनोद जी लेंगे वो बराबर का रिकॉग्निशन ये भी लेंगे, ये कमिटमेंट करते हैं आप लोगों के सामने। राम सागर जी नमस्कार। दोस्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिवान को आगरा जैसे बनाना है सिस्टम के साथ में और अपलाइन के साथ में मिलकर। क्या बात है, सिवान शहर को आगरा जैसे बनाना है, आगरा जैसे। और आगरा का मतलब समझते हैं? एक आगरा वाली जोरदार तालियां दोस्तों आगरा वालों के लिए। दोस्त कैसा फील कर रहे हैं पर्ल बनने के बाद? बहुत अच्छा। अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं पूरे हिंदुस्तान में 2 साल के अंदर छा जाऊंगा। अब इनको लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में 2 साल के अंदर छा जाएंगे। यकीन है दोस्त, कैसा फील कर रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार वर्मा और फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूं। दोस्तों अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला हुआ था कि जहां से करोड़पति बनाया जा सकता है, लेकिन अब सिक्योर लाइफ के रूप में एक ऐसा रास्ता मिल गया है मुझे जहां से करोड़पति तो मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, लेकिन अपनी टीम में हजारों करोड़पति में बना के तैयार करूंगा। दोस्तों क्या बात है, अब हजारों करोड़पति बना के छोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। परशुराम जी कैसा फील कर रहे हैं? दोस्तों नमस्कार। एक समय था मैं यहाँ पे अकेले आया हुआ था, आज मेरे टीम से करीब यहाँ 100 लोग बैठे हुए हैं। मेरा कमिटमेंट है मैं 100 लोगों को पूरा यहाँ से डायमंड बनाऊंगा पूरी लाइफ। क्या बात है परशुराम जी, 100 लोगों से कम डायमंड बना ही नहीं सकते, ये कमिटमेंट है आप लोगों के सामने। मैडम कैसा फील कर रही हैं पर्ल बनने के बाद? पर्ल बनने के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि राजनीति में तो सोनिया गांधी और मायावती ने अपना नाम किया था, लेकिन मैं सिक्योर लाइफ में डायमंड और डबल डायमंड। क्या बात है, दैट इज वेरी वंडरफुल। सोनिया गांधी से कम नहीं सर, मैडम ने तो अपना वादा निभा दिया, सोनिया गांधी से कम नहीं। अब आप बारी, आपकी बारी है। यदि ऐसी प्रोग्रेस चलती रही तो इनको मर की बनाकर ही दम लूंगा मैं। बोला इन्होंने कि यदि ऐसी प्रोग्रेस चलती रही तो इनको मरकरी बना के ही दम लूंगा, मरकरी बना के दम लूंगा। और विकास जी सर प्लीज 2 मिनट सर ने 1 ही मिनट बोला, मैंने बता दिया। मैंने आपकी तरह यह फंक्शन देखा था और आपकी तरह देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद जब मैंने इस फंक्शन को देखा था उस समय मैं जॉब किया करता था आर्मी में, और जॉब करते वक्त मैंने इस फंक्शन को देखा था। उस दिन मैंने देख लिया था कि विकास, उस दिन मेरी आत्मा बोल रही थी कि विकास आज तुझे रास्ता मिल चुका है, तू डिसीजन ले ले, और लिया मैंने। लेने के बाद आज ऐसा जलवा बना के खड़ा किया है, ऐसा खड़ा किया है जिसका नाम टाइगर टीम है, टाइगर टीम। और ये टीम कोई छोटे समूह में काम नहीं कर रही है, ये टाइगर टीम ऑल इंडिया से काम कर रही है, ऑल इंडिया से। टाइगर प्लेज आ गया तुम्हें, मजा नहीं आया यार, जब तक आग नहीं है इस बिजनेस में, अगर 90% आपको सफलता चाहिए तो क्या करना है, जोश का है दिखाओ। एक बार और आज अपनी चेयर से खड़े होके उस कथा को हिला दो जो आज आपका पेज लेके बैठा हुआ है कि कौन क्या मांग रहा है, आज उसको हिला दो। खड़े हो जाओ
दोस्तों बिलीव करें जो लोग बैठे हुए हैं, बिलीव करें ऊपर से खुदा देख रहा है। जो लोग बैठे हुए थे उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको चाहिए तो एक बार जोर से खुदा से चिल्लाओ, I am diamond. दोस्तों अचीवमेंट की बात करूं तो पिछले 10 महीनों में अगर मैंने अचीव किया है तो यहां से सबसे पहले तो अपनी टाइगर टीम को अचीव किया है जो ऑल इंडिया में काम कर रही है और सैकड़ों में काम कर रही है वो टीम आज की डेट में। दूसरा अचीवमेंट है मेरा कि जो मैं कभी सपनों में नहीं सोच रहा था आज वो मेरा पर मंथ 80,000 से 90,000 रुपए इस शिकोर लैब के माध्यम से कमाता हूं। 1,000 रुपए। रही कार की, कार का कभी सपना था कि मेरी लाइफ में कभी कार होनी चाहिए। दोस्तों जस्टली अभी एक स्टार बुक कराई है जो अगले महीने उठा रहा हूं मैं। और जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा, इस हॉल में बैठे हुए हर पर्सन का अचीवमेंट है डायमंड। कोई रोक नहीं सकता मुझे क्योंकि डिसीजन ले लिया मैंने। क्या आपने डिसीजन लिया? लिया। गो डायमंड, गो मरकरी, गो डायमंड। थैंक यू। होकर के एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। प्लीज वेलकम कमिंग मरकरी लीडर जाना जाता है आगरा। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार आगरा। नमस्कार इंडिया। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मेरा नाम नरसिंह ग्रेवाल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। तो मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा। मुझे जब मैं नौकरी करता था आर्मी की, उस टाइम पे मैंने प्लान देखा था और था हमारे सबसे एक्साइटेड लीडर, एक्साइटमेंट के पावर हाउस मिस्टर ओम प्रकाश जी ने, मैं चाहूंगा ओम प्रकाश जी का जब भी नाम आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चाहूंगा ओम प्रकाश जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों जोरदार तालियां गजब की। थैंक यू। दोस्तों ओम प्रकाश जी मुझे अगर प्लान नहीं दिखाते तो ये बंदा स्टेज पे नहीं होता। और ओम प्रकाश जी ने वैसे भी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। इसके अलावा सिस्टम की बात करूं तो आज तक के अगर मुझसे ये बोला जाए कि दुनिया तो एक ही नाम आता है, मिस्टर संजय जैन, जिन्होंने मुझे हर बात पे बार बार पे इंप्रेस किया और उनके मार्गदर्शन में आज बहुत सारे टूल, बहुत सारे मौके, बहुत सारे सिस्टम से रिलेटेड बातें हमको मिली है। मैं चाहूंगा जैन साहब के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों जोरदार ताली। थैंक यू। अभी एक बात और, एक ऐसे महारथी भी हैं, क्योंकि मनुष्य तो बहुत पैदा होते हैं लेकिन मनुष्य में महामनुष्य कई बहुत कम पैदा होते हैं और महामनुष्य में भी महान आत्माएं बहुत कम पैदा होती हैं। और आज अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इस दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी एक आदमी छाट के ला दे, उसका आप नाम बता दे, तो ग्रेवाल के दिमाग में एक ही नाम आएगा, वो है मिस्टर राजीव चतुर्वेदी। दोस्तों मैं तो साधारण सा फौजी था, आप सबको मालूम है फौजी की क्या औकात होती है, खासकर रिटायर्ड वाले की। सही है, रिटायर्ड वाले फौजी की कितनी कीमत होती है? 5,000 रुपए। कितनी होती है?
लेकिन इस सिस्टम ने कितनी कर दी वो अलग बात है, मैं जरूर थोड़ी ही बात बताना चाहूंगा। जब मैंने प्लान को देखा तो मेरे दिमाग में कई क्वेश्चन आए, और पहला क्वेश्चन ये आया कि मुझे इसकी जरूरत क्या है। मैं तो नौकरी कर रहा हूं साहब, 8-9 हजार रुपए बढ़िया मिल रहे, मैं बहुत सारे लोगों से अच्छा हूं, मुझे एक काम करने की क्या जरूरत है, ये दिमाग में मेरे में आया। लेकिन एक बात बताओ, मुझे सचमुच में नौकरी तो कर रहा था, लेकिन इस प्लान की, इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी या नहीं? यस और नो? यस और नो? जरूरत थी, जरूरत तो थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी। आओ अभी जनरल नॉलेज थोड़ा चेक करते हैं, कितने लोगों ने भैंस देखी है? भैंस, वेरी गुड, थैंक यू। कोई इंग्लैंड से तो नहीं है? सारे लोग देखे, थैंक यू, थैंक गॉड कि सारे इंडियन है। कई लोग हाथ नहीं खड़ा करते, मुझे लगता है इंग्लैंड से है, कहां से, या कैलिफोर्निया से होगा। अच्छा, भैंस क्या काम आती है, क्या करती है भैंस का, क्या काम है, क्या काम है भैंस का, क्या काम है भैंस का? दूध देती है या निकालना पड़ता है? ऐसा तो नहीं कि शाम को 5 बजे भैंस आई और बाल्टी भर के चली गई, ऐसा होता क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। दूध निकालना पड़ता है कि देती है? यस और नो? यस और नो? और उस भैंस के नीचे अगर 8 किलो दूध है तो हम 8 निकाल देते हैं, निकाल लेते कि नहीं? और 10 किलो है तो 10 को भी निचोड़ लेते हैं, छोड़ते क्या? उसके पड्डे के लिए, बच्चे के लिए भी नहीं छोड़ते, छोड़ते। अगर 12 किलो दूध है तो 12 किलो भी निकाल लेते कि नहीं? यस और नो? यस और नो? लेकिन दोस्तों आज आपको मुझे खुशी है ये बताते हैं कि ये जो सिक्योर लाइफ है, एक आईडी पे 8 लाख रुपए महीने की भैंस है। कितने की भैंस है? 8 लाख रुपए महीने की भैंस। तो निकालना चाहिए कि नहीं? यस और नो? अरे जो मर्द का बच्चा होगा जरूर निकालेगा। राजीव सर ने निकाला, जेल साहब ने निकाला, ओम प्रकाश जी ने निकाला, मैंने निकाला, अभी आपकी बारी है। कितने लोग निकाल के दिखाएंगे? कितने लोगों लग रहा है कि निकाल के दिखाएंगे? थोड़ा खड़े हो जाए, ऐसे खड़े हो गए, हाथ खड़ा कर दे, निकाल के दिखाइए, निकाल के दिखाइए, निकाल के दिखाइए, निकाल के दिखाइए। तो गो डायमंड, गो मरकरी, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों खड़े होकर के जोरदार तालियां, खड़े होकर, खड़े होकर हल्ला बोल के जोरदार तालियां, जोरदार धमाकेदार तालियां।